हेलो बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है शंट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। टॉपिक आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, मींस गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर और एमीटर कैसे बना सकते हैं, ये टॉपिक हम करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे शंट। शंट क्या होता है? शंट होता है हमारे पास लो रेजिस्टेंस। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस मींस जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक हायर वैल्यू होती है और एक लोअर वैल्यू होती है। जो हायर वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास शंट है वो लो रेजिस्टेंस होता है। जैसे ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ओम की फॉर्म में आता है, 1 ओम, 2 ओम, 100, 500, इस तरह से ओम आ गया आपके पास। और जो शंट होता है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0.1, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, वो हमारे पास शंट होगा। ये शंट का काम क्या होता है? ये जब शंट एमीटर बनाते हैं हम, तो इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो ये एमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है। और ये हमारे पास इसकी यूजेस क्या है? तो शंट के यूज है टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, कि जब करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर तो ये क्या करेगा, बर्न होने से बचाएगा। शंट गैल्वेनोमीटर को बर्न होने से बचाएगा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट यूज है इसका, कि कन्वर्ट करता है गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर। ये हो चुका है हमारे पास। और जब ये एमीटर बन जाएगा, एमीटर बनने पर ये इसकी जो एमीटर की रेंज है रेंज को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर क्या है, हमारे पास एक डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है या डिटेक्ट करती है, किस फॉर्म में, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। तो ये स्मॉल करंट है, तो हमारे पास स्मॉल करंट मिली एम्पियर में देख रहे हैं, माइक्रो एम्पियर में देख रहे हैं। तो जब हम इसमें शंट पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये हमें वैल्यू किस में देना स्टार्ट कर देगा, एम्पियर में देना स्टार्ट कर देगा। ओके, यस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एमीटर। एमीटर क्या है आपके पास? आपको पता है एमीटर क्या होता है? एक मेजरिंग डिवाइस है। किसको मेजर करती है? करंट को मेजर करती है। और करंट को किस फॉर्म में मेजर करती है, किस यूनिट में मेजर करती है? एम्पियर्स में मेजर करती है। और गैल्वेनोमीटर करंट को, स्मॉल करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्मॉल करंट के लिए यूज होता है। और ये आपका एम्पियर्स वाले, मतलब हाई करंट के लिए यूज होता है एमीटर। अब एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग आर लो रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस वायर हम किस में कनेक्ट करें? इसको पैरेलल में कनेक्ट करें विद गैल्वेनोमीटर। अब ये देखो, हमने एक शंट वायर ले ली। इस शंट वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके हमने किसकी फॉर्म बना दी? एमीटर बन गया। और एमीटर हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी होता है। राइट, इतना आगे समझ। अच्छा, थोड़ा सा और बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमें रीजनिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उनमें हेल्प मिलेगी। कि जो ये एमीटर है, एमीटर ए से डिनोट करते हैं, और एमीटर को किसी सर्किट में जब हम लगाते हैं तो ये सीरीज में लगता है। किस में लगता है? सीरीज में लगता है। सीरीज में लगेगा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ध्यान रखना है। यदि हम एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और आपको पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, और एमीटर का भी रेजिस्टेंस कम हो गया, तो जैसे करंट फ्लो होगा तो एमीटर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ये एमीटर बना दिया, और एमीटर के अंदर यहाँ पर हमने टोटल करंट कितना दिया? आई करंट दिया। आई करंट, अब देखो पैरेलल में कनेक्ट है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आईजी करंट गया और शंट के अंदर आईएस करंट गया। तो आईएस करंट हमारे पास क्या बन जाएगा? आई माइनस आईजी भी हम लिख सकते हैं। राइट, अब जी जो हमारे पास है यहाँ पर, जो कैपिटल जी है, वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। एस क्या हमारे पास? शंट रेजिस्टेंस है। आईजी क्या हो गया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना करंट है? कि मतलब इसमें हम एक क्या लगाएंगे, एक निडल होगी, और वो निडल जितना डिफ्लेक्ट करेगी वो आईजी होगा, और वो आईजी किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और एन आपके पास डिफ्लेक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन।
ओके के क्या होगा आपके पास फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं इसको, करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन या वन स्केल डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं करंट के लिए। ओके अब ये देखो कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इधर है और ये एस रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल में है तो पैरेलल में बनाएंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/S = 1/G, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज एस जी, जी प्लस एस, 1/R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकल गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एस जी अपॉन में जी प्लस एस। ओके ये हमारे पास इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके अब आता है हमारे पास करंट कैसे निकाले, करंट कैसे निकालेंगे हम। आपको पता है ये पैरेलल में है और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, जितना जी में होगा उतना ही एस में होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो शंट के लिए क्या होगा हमारे पास आई एस एस इज इक्वल टू आई एस एस, आई एस आपको पता है करंट थ्रो शंट, तो इसको डिनोट कर दिया हमने आई एस से, और ये एस क्या हो गया हमारे पास शंट का रेजिस्टेंस हो गया, नीचे आई जी इंटू में जी। आई एस को हम कैसे लिख सकते हैं आई माइनस आई जी लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी जी इन टू में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एस आएगा, राइट। आई जी करंट निकाले हम तो क्या निकलेगा हमारे पास आई जी के लिए आई माइनस आई जी इन टू में एस अपॉन में जी, ये आई जी करंट आ गया। एस निकाले तो एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन में क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ये एस निकल गया। मेन चीज है आप ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो बस, ये जब आप ध्यान रखोगे तो आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी करना चाहते हो आई जी को अलग तरीके से लिखना चाहते हो तो ये ऐसे भी हो जाएगा, आई जी किसके इक्वल होगा आई माइनस आई एस के इक्वल होगा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो और भी इसको आगे बढ़ा सकते हो आप। ओके क्लियर है इतना आपके पास, बस इसमें हमें आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान है, इससे आप किसी भी फैक्टर को आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, किसी भी फैक्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया आपका एमीटर, अब करेंगे हम कन्वर्जन किसका वोल्टमीटर का। अब वोल्टमीटर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखें वोल्टमीटर, वोल्टमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी आपके पास एक डिवाइस है जो किसको मेजर करेगी आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी, किसको मेजर करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी, किस में मेजर करेगी वोल्ट में, वोल्ट में मेजर करेगी, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर के साथ साथ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस, क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज, इसमें यूज करेंगे हम सीरीज में विद गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर यहाँ तक आया आपको समझ, अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ और डायग्राम बना लेती हूँ, ये सारी चीजें वो सेम रहेंगी इसमें भी। देखिए अब देखो हमें क्या लेना है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमें क्या कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है यहाँ पे आर, और सीरीज में है तो करंट आई ही फ्लो होगा, और ये आपकी किसकी कौन सा सर्किट बन जाएगा, अब आपका ये बन जाएगा वोल्टमीटर, क्या बन जाएगा वोल्टमीटर। ओके
तो यहाँ पर अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जी प्लस आर होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जी प्लस आर होगा। यहाँ पे ये आर आ जाएगा रेजिस्टेंस, राइट ओके। यहाँ पे आई, आप आई करंट कर सकते हो, आई जी ले सकते हो गैल्वेनोमीटर में, लेकिन इसमें करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी प्लस आर, ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। अब पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या है हमारे पास इसमें, तो हम इसका करंट ये मान लेते हैं आईजी करंट गया इसमें, तो ये आईजी इंटू में आर, आर क्या आएगा आपका, आर इक्विवेलेंट आएगा, क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा ओके। तो आईजी करंट निकाले तो क्या होगा हमारे पास, वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे पास, जी प्लस आर हो गया, क्या हो गया, जी प्लस आर। बस ये फॉर्मूला रखो, और यदि आपको आर निकालना है तो आर कैसे निकालोगे, तो ये आपके पास इधर साइड क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आई जी जी प्लस आर इज इक्वल टू वी, तो आई जी जी प्लस आई जी आर इज इक्वल टू वी ओके। अब यहां से आगे आगे आएगा हमारे पास वी, सॉरी आई जी आर इज इक्वल टू वी, क्या जाएगा वी, माइनस में क्या होगा आपका, आई जी इंटू में जी, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, आई जी, सॉरी अभी नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में है, आर इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी, अपॉन में आई जी, इसको अलग अलग कर देते हैं आई जी से डिवाइड, तो ये मिल जाएगा आपको v अपॉन में आई जी माइनस में जी, ये निकल गया आपका आप ओके। अब देखो ये हो गया आपका, ये इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं राइट। अब आता है हमारे पास आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर कब होंगे। आइडियल एमीटर कब होगा, जब आपके पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तब वो क्या कहलाएगा आपका, आइडियल एमीटर। और आइडियल वोल्टमीटर कब होगा हमारे पास, आइडियल वोल्टमीटर कब होगा, जब आर क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी होगा, आर क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा, तब ये आपके पास आइडियल वोल्टमीटर की तरह वर्क करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।